अच्छे से घुस 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 कर रहे हैं। This is Imani and welcome back to my YouTube channel. Yes, आज हम हैं दोबारा से अपनी किचन में and आज मैं बनाने वाली हूँ केक. This is my first time. मैंने पहले कभी भी केक नहीं बनाया, तो obviously मैं एक रेसिपी फॉलो करने वाली हूँ YouTube से ही देखकर and मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कैसे बनाया है and also I will paste the link in the description box जिसकी मैं रेसिपी फॉलो कर रही हूँ. You can also go and check it out. So अभी स्टार्ट करते हैं. मुझे कुछ नहीं पता बिकॉज बेकिंग में मैंने कभी बहुत ज्यादा कुछ ट्राई नहीं करा है. सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि क्या बनता है. सो अभी यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया है. नाउ हमें लेना है सबसे पहले 3/4 cup ऑफ वेजिटेबल ऑयल. मैं इसमें डाल रही हूँ. सो अभी मैंने 3/4 cup ऑफ वेजिटेबल ऑयल एड करा है. इसमें हम एड करेंगे 1.5 cup ऑफ कास्टर शुगर. 3/4 cup ऑफ वेजिटेबल ऑयल में हमें डालना है. बस 1.5 cup ऑफ कास्टर शुगर. इसको अच्छे से विस्क करेंगे ऐसा बोला है उन्होंने, जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए. प्लीज विस्क. इसके बाद 1 cup कर्ड चाहिए. करने के बाद अब हम डालेंगे 1 cup ऑफ कर्ड. पानी नहीं होना चाहिए कर्ड में, आप हम कर्ड भी यूज कर सकते हो. इसको भी हमें अच्छे से विस्क करना है. अभी विस्क होकर कर्ड विस्क कर लिया हमने, ये कुछ ऐसा है. अब हमें लेना है 1/2 cup ऑफ मिल्क. 1/2 cup ऑफ मिल्क. इसको भी अब हमें अच्छे से घुस 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 करना है. प्लीज घुस 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 करने में हेल्प कर दो. मैं कर देता हूँ, लाओ दो. कौन कौन विस्क करेगा? सो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो विस्क होके रेडी हो गए हैं. नाउ हमें ऐसा कुछ छलनी टाइप्स लेना है एंड इसके अंदर हमें डालना है अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स. सो इसमें मैंने लिया है 1.5 cups ऑफ मैदा. अब हमें लेना है 3/4 cup ऑफ कोको पाउडर. मैंने ये वाला कोको पाउडर लिया है, खोला भी नहीं है, पहली बार बना रहे हैं ना, इसलिए पता नहीं केक बन भी पाएगा आपकी नहीं, कहीं हमारा खुश ना हो जाए. सो अब हम लेंगे 3/4 cup ऑफ कोको पाउडर. हाँ वो भी आप कर देते कर देते. वन टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. And 1/2 teaspoon of baking soda. So dry ingredients को हमें धीरे धीरे कर अपने wet ingredients में pour करना है. इसको हमें मिक्स करना है स्पैचुला से. आप एक स्पैचुला ले सकते हो एंड देन वी विल हैव टू मिक्स द वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स.
So the batter is almost ready. Now I'm taking this mold. थोड़ा सा मुझे इसको ग्रीसिंग करने के लिए मैं इसमें ऑयलिंग कर रही हूँ. प्रॉपरली ये पूरा सो दैट बाद में हमें केक जब हम निकाले तो प्रॉब्लम ना हो. Now I have taken this parchment paper, जो मैं इसमें नीचे प्लेस करूंगी. And now we will add our batter into this. So as per the instructions, उसमें बताया था 160 डिग्री पे 50 to 55 minutes के लिए हमें बेकिंग पे रखना है. So guys, hopefully अच्छा बने, पता नहीं क्या होगा. फिफ्टी मिनट्स के लिए बेक पे हमने इसको लगा दिया है, रब रखा. गाइस जब तक मेरा एक एक प्रिपेयर हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं दूसरे वाले में भी मैंने इस बैटर को डाल लिया है. इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं ड्राई केक रखूंगी वो क्रिसमस वाला. सो लेट्स सी ये कैसे बनता है, मतलब इसमें मैं कोई गनाश और वो सब नहीं डालूंगी. तो अभी मैंने इसके लिए ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, काजू और बादाम तो मैं डाल रही हूँ. सो मैंने काजू डाल दिया, किशमिश डाल दिया, मैं बादाम मिक्स कर रही हूँ. ये मैं अंदर डाल रही हूँ, फिर मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी. और इस पर हम क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज कुछ भी डाल सकते हैं. अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसी भी ये हर्शीज वाली क्रैनबेरीज चॉकलेट है उससे मैं थोड़ा सा डाल. तो यहाँ पर हम गनाश की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एक कढ़ाई ले लिया हमने, प्लीज इग्नोर दिस मेस, प्लीज ये सब इग्नोर कर देना क्योंकि खाना भी बन रहा है साथ साथ. सो अभी ये पानी में नहीं, कढ़ाई में हमने पानी ले लिया है एंड पानी में एक बोल में, बिकॉज डायरेक्ट डालेंगे अगर हीट पे तो चॉकलेट का बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जल जाएगी. सो ये पानी जब बॉयल हो जाएगा तब हम इसको इसमें डालेंगे ताकि वो इसमें मेल्ट हो जाए. ये मैंने, आप कुछ भी ले सकते हैं कंपाउंड. सो ये मैंने कोको चॉकलेट का पूरा ब्रिक लिया है और इस, अरे साइडो, इसमें जो हमने चॉकलेट डाली थी उसमें हम बटर डाल रहे हैं एंड देन थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और वो सारा मेल्ट हो जाएगा एंड आवर गनाश विल बी रेडी. ये मैंने दूसरे वाला जो केक है, जो मैं ड्राई केक ही बनाने वाली हूँ, मैं उसी बैटर से बना रही हूँ. इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स अंदर भी मिक्स कर लिए और मैंने ये ऐसे डेकोरेट कर दिया है. इसको भी मैं सेम बेक करूंगी एंड देन लेट्स सी क्या बनता है. वैसे वो वाला जो बन रहा है मैं आपको दिखाऊं, रुको. ये देख रहे हो आप, ये कुछ ऐसा बन रहा है. मैंने अंदर डाल दिया था, 50 मिनट्स पे रखा था, 40 मिनट्स बचे अभी. सो ये कुछ ऐसा ऊपर सा आ गया है दिल और फट भी रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें. बट मतलब यहाँ पर आकर रुक गया है, बट काफी ऊपर आ गया. मैंने इसको यहाँ तक फिल किया था और यहाँ तक आके बूम ना हो जाए बस. सो गाइस फाइनली ये मैंने बाहर निकाल लिया है एंड अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में निकाल लिया है, बिकॉज ये थोड़ा लग रहा था हमें कि जल रहा है. ऑल्दो ये इसमें कुछ ज्यादा ब्लैक लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा ये ज्यादा ओवर कुक्ड हो गया है. मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट टूथपिक से, बिकॉज हम ये डाल के एक बार चेक कर लेंगे कि ये पूरी क्लीन वापस बाहर आनी चाहिए और ये क्लीन वापस बाहर आ रही है. सो ये कुक हो चुका है बट मैं अभी इसको निकालूंगी तो इसकी जो लेयर है ना ये थोड़ी सी मैं कट कर दूंगी एंड देन लेट्स सी ये कैसा बना है. मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ. ओ माय गॉड, काला दिल, बट स्पंजी तो है ना. अब मैं ना यार कुछ कर नहीं सकती हूँ, अब ये जल गया है तो. बट अब बस एक ही चीज हो सकती है कि अब हम इसको ऊपर और नीचे से काट दें. चोकोलावा ही लग रहा है. अब दिखाई रही हूँ, अब ये सब काला वाला सब कट रहा है. मेरा मूड भी ऑफ हो गया इस केक को लेकर तो.
काला के काला 50 मिनट्स में नहीं रखना चाहिए था इसको, थोड़ा कम रखना चाहिए था। और वो जो गनाश वहाँ पे ये बन रहा है ना, इसमें भी मेरा मन नहीं कर रहा है इसको इसके ऊपर लगाने का। तो अब मैं मैंने मीनवाइल जो ये वाला केक था ये वाला बेक होने रख दिया है, मैं बहुत ही जल्दी निकाल लूंगी और 10-10 मिनट में चेक करूंगी, मैं इसको नहीं जला सकती। गाइस फाइनली ये केक आया है बाहर। ये एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बना है मतलब, और टेस्ट में भी बहुत बहुत अच्छा है, बट आई गेस ये बहुत ओवर कुक हो गया था जिसकी वजह से हमें इसे काटना पड़ा। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ सक्सेस, ये हुआ तो फेल ही है। एंड ये मैं आपको टेस्ट टेस्ट में बताऊंगी कैसा है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, सो ये मैंने ब्लूबेरीज इसमें ऐड करी थी इसलिए ये थोड़े ज्यादा ब्लैक हो गए हैं। बाकी हम इसको निकाल कर आपको टेस्ट टेस्ट में बताएंगे कि ये भी कैसा बना है। तो गाइस फाइनली केक बेक कर लिया है, उसका तहस नहस मच गया था, थोड़ा जल गया था, ऊपर से कट करा, नीचे से कट करा, फिर उसके ऊपर गनाश डाला थोड़ा सा, बाकी का जो गनाश बचा है उसको मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर चॉकलेट फ्रीज होने के लिए रख दिया है। जो बाकी का हमारा बैटर बचा था उसका मैंने डिसाइड किया था कि हम ड्राई केक बनाएंगे, सो दिस इज द ड्राई केक। एंड थैंकफुली गाइज ये मैंने कम टाइम के लिए रखा था, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स, एंड 15 मिनट्स में दिस इज रेडी। बहुत स्पॉन्जी, मैं आपको दिखाऊंगा अगर ऐसे इफ यू कैन सी, तो ये बहुत स्पॉन्जी बना है, वेरी नाइसली बेक। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये ब्लूबेरीज मैंने ऐड करी थी इसलिए ये थोड़ा ज्यादा ही ब्लैक हो गया है। So, अब मैं आपको मिलती हूँ टेस्ट टेस्ट करते टाइम, एंड देन विल सी द रिजल्ट कि ये कैसा बना है। एंड गाइस ये जो लेफ्ट ओवर गनाश है इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए हैं, सो मैं मिक्स फ्रूट का चॉकलेट्स दोबारा से फ्रीज करूंगी, मैं इसमें ये फिल कर दूंगी, एंड देन यू नो आप किसी भी मोल्ड अगर आपके पास है तो आप डिफरेंट शेप के मोल्ड में आप इसको फ्रीज कर सकते हो, एंड यू नो फ्रीज करके ये दोबारा चॉकलेट्स यू कैन गेट, सो आई एम डूइंग दैट। तो अब हम करेंगे टेस्ट टेस्ट, दोनों जजेस यहाँ पर हैं मेरे, फटाफट पहले ये वाला करते हैं, ये वाला पहले, हाँ, ये वाला पहले, ये वाला पहले, इसको कट कर लो जीजू, ये हुई ना बात। चखलावा कैसा बनाया? अच्छा है ना? सही बना? धमाकेदार। अभी तो ये वाला बचा है। ला 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 ला। वाओ, ये नाइस पीस आया है। एकदम ठीक। ना 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 नी नी। अच्छा लग रहा है। ये ट्रूफल केक लग रहा है। देखा? बहुत बढ़िया मैम। मैरी क्रिसमस गाइस, बहुत टेस्टी है। वो वाला भी अच्छा बना है। लोगों को तो खिला। पर ये केक बहुत टेस्टी है, ये सब आपके लिए। हिला मत, हिला मत, रुक जा। मैरी क्रिसमस। टाटा। तुम खा? अल्टीमेट लग रहा है। ये रकम रख गया। सो गाइस टेस्ट टेस्ट इज डन, बहुत बहुत अच्छा केक है। एक्चुअली जो वो पहले वाला केक था ना जो एकदम काला दिल बन गया था, बट गनाश वगैरह लगाकर उसको थोड़ी देर फ्रीज कर वो बहुत टेस्टी लग रहा है, और वो बिल्कुल ट्रूफल लग रहा है, बिकॉज मैंने जो गनाश बनाया था वो डार्क चॉकलेट का था। सो इट इज यम, आई मीन दिस वन इज यम, बहुत टेस्टी बना है। हाँ शक्ल से नहीं है बट सीरत से बहुत अच्छा है, और ये वाला भी बहुत अच्छा बना है बिकॉज इसके अंदर जो फिलिंग करी थी ड्राई फ्रूट्स की उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है।
एंजॉय, मैरी क्रिसमस, बाय। वेट, मैदा, अंडा, अंडा, दही, केला सब डाल दिया, इस ओवन में डाल दिया, हुआ हुआ हुआ, थोड़ी देर बाद ऊपर से भट वोल्केनो इरप्शन, केक ही फट गया था बीच में से, और okay, केक ऐसे नहीं बढ़ रहा था, पूरा केक बढ़ रहा था ऐसे। हमें सिर्फ ये पता था कि शुरू कैसे करना है, हमें रोकना कब है हमें ये नहीं पता चल रहा था, तो इसलिए जीजू चीनी डालते जा रहे हैं, दूध डालते जा रहे हैं, पर रोक नहीं पा रहे। और ये जो गनाज बन रहा है, ये डार्क चॉकलेट का बन रहा है, तो ये इतना कड़वा लग रहा है इन लोगों को, ये इसमें सिर्फ मलाई, दूध और चीनी सब डालते जा रहे हैं।